पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो हेलो माम, पापा कहाँ हैं? वो तो तुम्हारे सामने ही ऑफिस के लिए निकले थे, क्यों क्या हुआ? और तुम्हारी कंसर्न से बात हुई? नहीं माँ, कोई फायदा नहीं हुआ। अक्षत कहाँ है? वो अभी तक तो अपने कमरे में ही था। आप एक बार जाकर चेक कीजिए ना प्लीज। एक मिनट, अक्षत तो कमरे में नहीं है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पता नहीं माँ, आई होप सब ठीक हो। मैं पापा के ऑफिस जा रही हूँ चेक करने, आप भी उन्हें फोन करके चेक कीजिए ना, मेरा फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, ओके। हे भगवान, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी एक्सीडेंट हो जाता तो मेरे पापा का है। क्या किया तुमने मेरे पापा के साथ? अक्षत बोलो बोलो, मेरे पापा का है, बोलो अक्षत, मेरे पापा कहाँ है? यदि पापा, पापा आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अगली मुझे क्या हुआ है? और ऐसे क्यों पूछ रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। वो मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे पापा से दूर रहना, समझे? नहीं, पास मत आओ मेरे पापा के। यदि पापा, पापा हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी करना। पापा पापा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब तो आप सबको यकीन आ गया ना? क्या किस बात का यकीन? क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या कोई बताएगा मुझे? पापा आप तो कुछ बोलिए। देखा पापा, लॉकेट को टच करते कैसे झटका लगा नहीं थी को। इससे बड़ा प्रूफ तो पापा हो ही नहीं सकता।
क्या प्रूफ? क्या कहना चाह रहे हो तुम अक्षत? पापा, आप ही सब लोग बता दीजिए, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाए। नियति बेटा, तुम पर तंत्र हुआ है। कंचन ने काला जादू किया है तुम पर। अरे नियति, तंत्र हुआ है तुम पर, और तुमने जो कुछ भी किया वो सब तंत्र की हालत में किया, चाहे वो फार्म हाउस में आग हो, कार का एक्सीडेंट हो, या मुझे जो धक्का दिया तुमने। नियति, हमारी हालत देखने के बाद अक्षत और मैंने बात की थी। मुझे लगता है माँ, आपको नियति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। आप उसे बातें कीजिए, उसे अच्छा लगेगा। माँ, पापा, वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं माँ के सामने ये सब बातें करना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं होगा। पापा, उन्हें लगेगा आप मैं ही गलत हूं। लेकिन अभी मैं रूम से आया और आई एम श्योर कि कंचन ने ही नियति पे तंत्र किया। तो कोई रीजन नहीं है पापा। इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? पापा, मैं जानता हूं आप नियति से बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उसे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। आज हम एक काम करते हैं, पूरा दिन नियति पे नजर रखते हैं कि वो कंचन से जेल मिलने जा रही है या नहीं जा रही। अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि ऐसे तो वो कंचन से मिलने जेल जाएगी नहीं, और वो भी आपके मना करने के बाद। यदि अक्षत के कहने पर मैंने तुम पे नजर रखी, देखा तुम्हें, समझा कि तुम जो भी कर रही हो क्या कर रही हो। एक बार नहीं, तीन बार तुम कंचन से मिलने गई जेल में। गई थी ना बेटा?